नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हो, हमारे सामने चार मल्टीमीटर्स पड़े हैं। बारी बारी से हम सबको एक नज़र देखते हैं जी, किसकी क्या कॉस्ट है और क्या उसमें फीचर्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी इस मल्टीमीटर से। ये एक मल्टीमीटर है हमारा, छोटा सा कॉम्पैक्ट मल्टीमीटर, जो रीडिंग तो सारी ही दिखाएगा। बस इसमें एक चीज़ मेजर जो मिस है, वो है जी क्लैंप मीटर का काम ये नहीं करेगा। जैसे कि बाकी सब में आप देख पा रहे हो, इसमें वायर के थ्रू हम अम्पेयर चेक कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अम्पेयर चेक नहीं हो पाएंगे। ये मार्केट में लगभग 150 से 200 रुपये की रेंज में बड़े आराम से मिल जाता है तो ये लोकल, लेकिन काम अच्छा दे जाएगा। मल्टीमीटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिशियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बिना वोल्टेज सप्लाई चेक नहीं हो पाती, कोई इक्विपमेंट चेक करना हो, कुछ भी चेक करना हो, नहीं हो पाएगा। तो ये अगर हम लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो इसमें ये एक फीचर कम है कि हम किसी वायर से एम्पेयर चेक नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो बाकी सब में हैं। उसके बाद दोस्तों बारी आ जाती है इस चीज़ की, अगर हम चाहते हैं हम एम्पेयर भी चेक हो पाएँ, तो ये एक क्लैंप मीटर है, एक कोर स्प्लिट टाइप का क्लैंप मीटर है, जो लगभग 350 से लेकर 370 रुपये के बीच में बड़े आराम से मिल जाएगा। इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक मल्टीमीटर में होनी चाहिए। बस ये लोकल है तो इसकी गारंटी वगैरह थोड़ी कम है, तो लाइफ थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये चीप एंड बेस्ट भी है। अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्चना चाहते हो, तो ये एक मैक्स टेक कंपनी का आता है जी। इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा मानी जाती है, हालांकि काम इसका भी वही है, उसका भी वही है। इसके अंदर जो फीचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, वो आपके सामने हैं दोस्तों। इसको थोड़ा ऑपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये बटन्स बने हुए हैं इस पर। इसमें क्या कि सिंपल आप रोटेट करो, जिस पे आप सेट कर दोगे वो चीज़ सेट हो जाएगी और वही चीज़ चेक भी हो जाएगी। इसमें भी वही था, इसमें भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा हमें रेंज और सेलेक्ट को बटन से प्रेस करके सिलेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ता है, और रोटेट तो करना ही होता है। ये मार्केट में 600 से लेकर 800 रुपये की रेंज में मिल रहा है, मैक्स टेक कंपनी का। रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों, जो इन सब में से महंगा है, वो ये फ्लूक की कंपनी का है। फ्लूक बोल दो या फ्लूकी बोल दो, ये 6,000 से ज़्यादा की कॉस्ट का है दोस्तों। और इसमें बड़े सिंपल से 5 फीचर दे रखे हैं। सबसे पहले ऑफ है, वोल्टेज एसी, वोल्टेज डीसी, कंटिन्यूटी विद रेजिस्टेंस, एम्पेयर एसी और एम्पेयर डीसी, और उसके साथ में ये कोर स्प्लिट, जो अप टू 200 एम्पेयर तक की रेंज की वायर को कैरी कर सकता है, 200 एम्पेयर तक के करंट कैरी कनेक्टर को मैयर कर सकता है। मार्केट में ये अवेलेबल तो है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होने की वजह से लोग बहुत कम परचेज करते हैं, लेकिन ये है बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है और इसकी ड्यूरेबिलिटी इन सबसे ज़्यादा है। बस ये थोड़ा कॉस्टली है, इस वजह से थोड़ा सा इसको लेना मुश्किल हो जाता है। और चार मल्टीमीटर्स आपके सामने जो हैं दोस्तों, सब में कॉमन चीज़ यही है कि सब वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सब मेयर करेंगे, सिर्फ इस वाले मल्टीमीटर को छोड़ के। इसमें एम्पेयर में, एम्पेयर जो है वो सिलेक्ट चेक करने की, जो ये कोर स्प्लिट टाइप चीज़ बनी हुई है जिसको हम क्लैंप मीटर बोलते हैं, वो नहीं है। एम्पेयर चेक करने के लिए हम लीड्स की सहायता ले सकते हैं। हम जानते हैं दोस्तों, एम्पेयर जो हैं सीरीज में चेक किए जा सकते हैं, वोल्टेज चेक करनी हो तो पैरेलल में होती है, तो लीड की सहायता से हम एम्पेयर भी चेक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको वायर के जैसे कि इसमें चेक कर पाते हैं, इसमें कर पाते हैं, इसमें भी कर पाते हैं, वैसी वाली फैसिलिटी इसमें नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये एक झलक थी एम्पेयर मीटर्स की या मल्टीमीटर्स की। आप अगर लेने जा रहे हो या आपके पास है, तो आप उसको ध्यान से चलाइए। अगर लेने जा रहे हो तो इनमें से आपको कौन सा चाहिए, ये आप देख सकते हो। ये एक ट्यूटोरियल था छोटा सा बिगिनर्स के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।